गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक विच वॉज रिमेन्ड इन दिस, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लासेज. पिछली क्लासेज में हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का. सस्टेनेबल, सस्टेन का मतलब कंटिन्यू रखना, डेवलपमेंट हाउ कैन वी कंटिन्यू द डेवलपमेंट, दैट वी विल डिस्कस इन दिस टॉपिक. सो वट इज गिवन इन द पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड एरा. After the Second World War, the concept of development was synonymous to economic growth. यानी Second World War के बाद में जो development का synonym माना जाता था वो किसको माना जाता था? Economic growth को. यानी जो per capita income है उसी को क्या माना जाता था कि वो आपका development है. जैसे इसमें कहा गया which is measured in terms of temporal increase in gross national product GNP and per capita income. यानी हमने ह्यूमन डेवलपमेंट जो आपका चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था कि जब तक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट नहीं आई थी तो या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नहीं बना था SDI, उससे पहले से पर कैपिटा इनकम है उसी को क्या माना जाता था? डेवलपमेंट माना जाता था. बट वी हैव सीन कि उसके अंदर क्या था कि जैसे पर कैपिटा इनकम के अंदर, अगर ये पर कैपिटा इनकम तो क्या है, एक एवरेज इनकम है. उसके अंदर हमें एवरी पर्सन है उसकी इनकम का पता नहीं चलता है. जैसे एक कंट्री का पर कैपिटा एवरेज इनकम आपकी जो है वो 1000 हो गई, ओके, और उस देश के अंदर पॉपुलेशन है 10, यानी 10 लोग रहते हैं उसके अंदर. तो हम जब इसकी पर कैपिटा इनकम निकालेंगे तो इसको डिवाइड कर देंगे, टोटल पॉपुलेशन डिवाइड बाय टोटल इनकम, तो इससे क्या आ जाएगा, हमारे पास 100 आ जाएगा. पर इसके अंदर ये तो ज़रूरी नहीं है कि 10 जो लोग हैं उनके पास 100 ही आपका उनको मिलते हैं या 100 रुपीज़ वो अर्न करते हैं. इसके अंदर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, जो दो व्यक्ति ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास जो सिर्फ 10-10 रुपये पर डे कमाते हों. तो पर कैपिटा इनकम है वो डेवलपमेंट का इंडेक्स अकेला नहीं है, इसके लिए क्या है, कुछ और चीज़ों को भी ऐड करने की ज़रूरत है. तो इन 1970 द फेज सच एज रीडिस्ट्रीब्यूशन विद द ग्रोथ एंड इक्विटी वर इनकॉर्पोरेटेड इन द डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट. तो 1970 के अंदर एक नई फ्रेज इसके अंदर डेवलपमेंट के अंदर यूज की गई. इसका मतलब था रीडिस्ट्रीब्यूशन विद ग्रोथ, यानी ग्रोथ को हमें रीडिस्ट्रीब्यूट करना है पॉजिटिव में. एंड ग्रोथ एंड इक्विटी, इक्विटी का मतलब क्या होता है, नॉट इक्वेलिटी, इक्वेलिटी नहीं है इक्विटी. इक्विटी का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति को जितनी अमाउंट में जिस चीज़ की ज़रूरत है उतनी उसको अवेलेबल करवाना. जैसे फॉर एग्जाम्पल एट योर होम देर आर टू चिल्ड्रन, दो है बच्चे, एक 5 साल का एक 10 साल का. अब 5 साल का जो बच्चा है उसको भी आप इक्वल चीज़ें देते, 5 साल के बच्चे को भी वही चीज़ें देते हो जो आप 10 साल वाले को दे रहे हो. तो इसके अंदर क्या होगा, जो 10 साल वाला बच्चा है उसकी जो रिक्वायरमेंट है, उसकी जो ज़रूरतें हैं वो आपको अलग मिलेगी और 5 साल वाले की अलग मिलेगी. अगर आप उनको इक्वल दे रहे हो दोनों को तो वो तो इक्वलिटी है. अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग दे रहे हो तो वो क्या होगा, आपका इक्विटी होगा. तो इक्विटी का मतलब अकॉर्डिंग टू द डिमांड और अकॉर्डिंग टू द नीड्स वी विल प्रोवाइड द फैसिलिटीज और द थिंग्स टू द पब्लिक. इट वॉज रियलाइज दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू द इकोनॉमिक स्फीयर अलोन. अब इसमें कहा गया कि डेवलपमेंट को ये महसूस किया गया पूरे वर्ल्ड के अंदर कि डेवलपमेंट को हम सिर्फ इकोनॉमिक्स एरिया के ऊपर या इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम डेवलपमेंट नहीं मान सकते देश का, इसके लिए हमें और चीज़ों को भी इंक्लूड करने की ज़रूरत है. तो उसमें कौन सी चीज़ों को इंक्लूड करने की बात कही गई है, वो इंक्लूड करने वाली बात है जैसे आपका इंप्रूविंग द वेलबींग ऑफ द एंड लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल, लोगों के रहने का या उनका स्टैंडर्ड है उसको इंक्रीज करना. अवेलिंग ऑफ द हेल्थ, उनकी हेल्थ की तरफ ध्यान देना, एजुकेशन की तरफ ध्यान देना. इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इक्वल अवेलेबल करवाना हर एक को. एंड एंश्योरिंग पॉलिटिकल एंड पब्लिक राइट, और उनको क्या करना है, आपको पॉलिटिकल और सिविल राइट्स जो हैं, ह्यूमन राइट्स जो हैं उनको भी उनको अवेलेबल करवाने की गारंटी देना. ये जो आपका होगा उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट माना जाएगा. आगे इसमें क्या कहा गया है कि द नेशन ऑफ सस्टेनेबल, नोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इमर्ज इन द वेक ऑफ जनरल राइज इन द अवेयरनेस ऑफ इन्वायरमेंटल इश्यूज इन द लेट 1960s इन वेस्टर्न वर्ल्ड. सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो ये वर्ड है ये कहाँ से इमर्ज हुआ, ये वेस्टर्न वर्ल्ड, वेस्टर्न यूरोप से मान सकते हो आप, वहाँ से हुआ. किसको लेकर, अवेयरनेस ऑफ इन्वायरमेंटल इश्यूज, इन्वायरमेंटल इशू को देखकर, क्योंकि डेवलपमेंट तो हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो करते जा रहे थे पर उसको इन्वायरमेंट का जो लॉस हो रहा था उस चीज़ का ध्यान रखते हुए उन्होंने क्या किया, इसको वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ने इसके ऊपर एक आपका अवेयरनेस प्रोग्राम इन्वायरमेंटल इशू को भी रखा.
तो इसमें क्या है, द पब्लिकेशन ऑफ द पॉपुलेशन बॉम्ब बाई एलरिच इन 1968, ये आपका अमेरिकन एक बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये बुक लिखी थी, एंड द लिमिट्स ऑफ द ग्रोथ लिमिट्स टू ग्रोथ बाई मेडोज, ये मेडोज और तीन और व्यक्ति थे उनके साथ में, उन्होंने ये लिखी थी इन 1970, फर्दर रेज द लेवल ऑफ फियर अमंग इन्वायरमेंटलिस्ट इन पर्टिकुलर एंड पीपल इन जनरल। यानी इन दो बुक्स के अंदर भी उन्होंने क्या किया था, इन दो बुक्स में भी उन्होंने लिखा कि किस प्रकार जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है उसके कारण जो आपका डेवलपमेंट है वो उसको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अगर इन्वायरमेंट का लॉस होगा तो डेवलपमेंट से हमारे को कोई फायदा नहीं होगा। तो इन्होंने भी इस पर क्या लिखा था, फियर अमंग इन्वायरमेंटलिस्ट, यानी इन्वायरमेंटलिस्ट में भी इस चीज़ का डर था कि अगर डेवलपमेंट इस तरीके से होगा तो उसमें इन्वायरमेंट का लॉस होगा। कंसर्न विद द ग्रोइंग ओपिनियन ऑफ द वर्ल्ड कम्युनिटी ऑन द इन्वायरमेंटल इशूज, द यू एन एस्टेब्लिश्ड ए वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट हेडेड बाई नॉर्वेजियन प्राइम मिनिस्टर जियो हार्लेम बर्टलैंड। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, वर्ल्ड कम्युनिटी की जो प्रॉब्लम्स थी पूरे वर्ल्ड की इन्वायरमेंट से रिलेटेड, उसको ध्यान में रखते हुए जो यूएन था, यूएनए जो आपका है, उसने एक वर्ल्ड कमीशन इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट के अंदर लिए बनाया, और उसके हेड किसको बनाया, नॉर्वेज की एक प्राइम मिनिस्टर थी जिनका नाम था ग्रो हार्लम ब्रंटलैंड, उनके नाम पर ये कमीशन एक बनाया, इसका नाम था ब्रंटलैंड कमीशन, नाम भी उसका क्या था, ब्रंटलैंड कमीशन था। तो कमीशन था, उसने रिपोर्ट दी, ब्रंटलैंड रिपोर्ट एंटाइटल्ड आवर कॉमन फ्यूचर, यानी उसका जो टाइटल था उसका नाम क्या था, आवर कॉमन फ्यूचर, कब दिया वो, 1987 के अंदर। इट डिफाइंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज, और इसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को किस में डिफाइन किया, यानी ये डेफिनेशन है डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो हम पढ़ते हैं अभी, डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। यानी इसके अंदर कहा गया कि डेवलपमेंट वो चीज़ है जो नीड्स को पूरा करती है प्रेजेंट में जो लोग हैं उनकी, विदाउट कंप्रोमाइजिंग, और वो क्या कर रही है, वो कंप्रोमाइज़ नहीं कर रही है या वो नुकसान नहीं पहुंचा रही है फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को, यानी फ्यूचर जनरेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट होगी उनको भी वो नुकसान नहीं पहुंचा रही है, और अभी प्रेजेंट में वो अपना केयरफुली इन चीज़ों का यूज कर रही है। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आपकी डेफिनेशन थी। इसके बाद में एक आपका केस स्टडी और दी गई है इसके अंदर रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया मेजर्स फॉर प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी इंदिरा गांधी कैनाल बनी हुई है आपको पता है, जिसको राजस्थान कैनाल भी बोलते हैं, सबसे बड़ी नहर है वो हमारे इंडिया की, उसका निर्माण किस लिए किया गया था, उसका भी मेन मकसद क्या था, प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए आपका राजस्थान कैनाल का निर्माण किया गया था। इंदिरा गांधी कैनाल प्रीवियसली नोन एज द राजस्थान कैनाल इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कैनाल सिस्टम इन इंडिया। यानी इंदिरा गांधी कैनाल से पहले इसको किस नाम से जानते थे, राजस्थान कैनाल, अब इसका नाम रख दिया था इंदिरा गांधी कैनाल। सबसे लंबी और सबसे बड़ी है आपकी कैनाल सिस्टम इंडिया की। कंसीव्ड बाई कंवर सेन इन 1948, द कैनाल प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च्ड ऑन 31 मार्च 1958। यानी इसकी प्लानिंग सबसे पहले किसने की, कंवर सेन ने की 1948 के अंदर, और उसके बाद में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च कब किया गया, 31 मार्च 1958 को। द कैनाल ओरिजिनेट इन एट हरिके बैराज इन पंजाब एंड रन पैरेलल टू पाकिस्तान बॉर्डर एट एन एवरेज डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर इन द थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान। यानी कैनाल है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, पंजाब के अंदर एक हरिके बैराज यानी डैम बना हुआ है, वहाँ से ये पैरेलल चलती है पाकिस्तान की बॉर्डर के साथ में, 40 किलोमीटर का एरिया कवर करती है, और थार डेजर्ट राजस्थान में वहाँ तक इसका कवर किया गया। द टोटल प्लांट लेंथ ऑफ द सिस्टम इज 99,660 किलोमीटर कैटरिंग टू द इरीगेशन नीड्स ऑफ द टोटल कल्चरेबल कमांड एरिया ऑफ 19.63 लाख हेक्टर्स। यानी ये टोटल आपका कितना एरिया कवर करती है, 9,060 किलोमीटर एरिया कवर करती है, और कितने एरिया में ये इरीगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, 19.63 लाख हेक्टेयर एरिया। आउट ऑफ द टोटल कमांड एरिया अबाउट 70% वॉज इन्वेस्टिगेटेड टू बी इरीगेटेड बाई फ्लो सिस्टम एंड बाई रेस्ट बाई द लिफ्ट सिस्टम। 70% एरिया में तो पानी क्या किया जा रहा है आपका, फ्लो सीधा जो पानी आता है ना नहर का, वो उसके थ्रू करवाया जा रहा है, और 30% एरिया में लिफ्ट करके पानी को ऊपर उठाकर पानी को उस एरिया में पहुंचाया गया है, क्योंकि बीच में आपको पता है जो बीच में डेजर्ट के अंदर जो आपके टीले वगैरह आते हैं उनके कारण क्या है, पानी को ऊपर आपका लिफ्ट करके वहां तक पहुंचाया गया है। तो इंदिरा गांधी कैनाल के बारे में बताया गया, ये आपकी इंदिरा गांधी कैनाल है इसके अंदर दिखाई गई है, ये यहां से शुरू होकर हरिकेजे बांध से ये कंटिन्यूसली यहां तक चलती है आपकी, तो ये आपकी इंदिरा गांधी कैनाल बताएगी इसके अंदर। ये थोड़ा इसको जूम करके मैं आपको बताया गया, ये यहाँ से स्टार्ट हुई और ये यहाँ से ऐसे होते हुए आपके
इतना एरिया इसने कवर किया है आपका। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ द कैनाल सिस्टम हैज़ बीन कैरिड आउट थ्रू टू स्टेजेस, यानी इसका जो कंस्ट्रक्शन किया गया कैनाल का वो दो स्टेजेस में किया गया। पहले स्टेज में क्या किया गया, द कमांड एरिया ऑफ स्टेज वन लाइज इन गंगानगर हनुमानगढ़ एंड नॉर्थ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बीकानेर डिस्ट्रिक्ट। पहले स्टेज में इसका निर्माण कहाँ तक किया गया आपका, गंगानगर हनुमानगढ़ और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बीकानेर डिस्ट्रिक्ट, इन तीन डिस्ट्रिक्ट में किया गया। इट कल्चरेबल कमांड एरिया इज 5.53 लाख हेक्टेयर, ये इसका एरिया कितना था आपका, ये था 5.53 लाख हेक्टेयर एरिया था। इसके बाद में इसको आगे क्या किया गया, इरीगेशन इन स्टेज वन कमांड एरिया ऑफ द कैनाल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन अर्ली 1960, यानी इरीगेशन सिस्टम जो इसका था स्टेज वन का स्टार्ट कब किया गया, वो आपका 1960 के अंदर, अर्ली 1960 यानी 1960 के स्टार्टिंग में इसको स्टार्ट कर दिया गया। सेकेंड कमांड एरिया जो था उसकी सेकेंड स्टेज में क्या किया गया, इसको बीकानेर जैसलमेर बाड़मेर जोधपुर नागौर और चूरू डिस्ट्रिक्ट तक ले जाया गया, यानी कमांड एरिया स्टेज टू इज स्प्रेड ओवर द बीकानेर जैसलमेर बाड़मेर जोधपुर नागपुर नागौर सॉरी एंड चूरू, इन डिस्ट्रिक्ट्स में इसको स्टेज को आगे दूसरी स्टेज में बढ़ाया गया। पहले में सिर्फ तीन थे, फिर इसके बाद में चार स्टेट्स चार पांच आपके डिस्ट्रिक्ट इसमें और ऐड कर दिए गए। कल्चरेबल कमांड एरिया ऑफ 14.10 लाख हेक्टेयर, इट कंप्राइजेज डेजर्ट लैंड डोटेड विद शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स एंड टेम्परेचर शोरिंग एट 50 डिग्री सेल्सियस इन समर। तो कितनी कल्चरेबल वेस्ट कल्चरेबल लैंड को इसमें कन्वर्ट किया गया इरीगेटेड लैंड के अंदर 14.10 लाख हेक्टेयर को, और ये वो एरिया था लैंड डेजर्ट एरिया जिसमें क्या होते हैं सैंड ड्यून शिफ्ट करते हैं, यानी जो टीले होते हैं वो क्या करते हैं गर्मियों के टाइम में वहाँ से वो हवा के साथ में दूसरे एरिया में शिफ्ट कर जाते हैं, और टेम्परेचर वहाँ पे कितना रहता है 50 डिग्री के अंदर रहता है जब आप समर का सीजन होता है दिन के अंदर। द कमांड एरिया ऑफ स्टेज टू बिगेन रिसीविंग इरीगेशन इन मिड 1918, और कमांड एरिया के अंदर जो इरीगेशन सिस्टम वहाँ से स्टार्ट किया गया वो कब किया गया 1980 के अंदर यहाँ पे स्टार्ट हुआ आपका। नेक्स्ट आता है इसका पॉजिटिव इफेक्ट, व्हाट वर द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ दिस इंदिरा गांधी कैनाल, इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या हुआ। द अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल मॉइस्चर फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड वेरियस एफोरेस्टेशन एंड पास्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम अंडर CAD कॉमन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है आपका रिजल्टेड इन ग्रीनिंग द लैंड। इसमें क्या हुआ कि ये फॉरेस्टेशन है और जो आपके ग्रीन पास्चर्स है वो इसके नियर कैनाल के दोनों साइड में बन गए। हेल्प इन रिड्यूसिंग विंड इरोजन, जो विंड इरोजन हो रहा था उसको रोकने में मदद मिली, क्योंकि जब सॉइल के अंदर मॉइस्चर आ जाएगा तो विंड इरोजन नहीं होगा। रिड्यूस सिल्टेशंस ऑफ कैनाल सिस्टम, यानी जो सिलेट वगैरह जो आपका मिट्टी वो साथ में कैनाल के चली जाती थी उसको रिड्यूस किया गया इसके अंदर। स्प्रेड ऑफ कैनाल इरीगेशन हैज़ लेड टू इंक्रीज इन कल्टिवेटेड एरिया एंड इंटेंसिटी ऑफ क्रॉपिंग, यानी इस कैनाल इरीगेशन आने से क्या हुआ कि इस एरिया के अंदर जो आपका कल्टिवेटेड एरिया था वो इंक्रीज हो गया और क्रॉपिंग सिस्टम है वो आपका बढ़ गया, यानी पहले जो एक या दो क्रॉप होती थी अब इसके अंदर दो कंटिन्यूसली या दो या तीन से क्रॉप लोग लेने लग गए इस इरीगेशन फैसिलिटी का। द ट्रेडिशनल क्रॉप शोन इन द एरिया ग्राम बाजरा एंड ज्वार हैव बीन रिप्लेस्ड बाई वीट कॉटन एंड ग्राउंडनट एंड राइस, यानी जो पहले यहाँ पे सिर्फ ग्राम चना बाजरा और ज्वार होता था उसको अब रिप्लेस किसने कर दिया, वीट भी होने लग गया कॉटन भी होने लग गया ग्राउंडनट मूंगफली होने लग गई और राइस चावल भी होने लग गया उस एरिया के अंदर। यह आपकी इंदिरा गांधी कैनाल का एरिया दिखाया गया इसके अंदर, ये सारा इंदिरा गांधी कैनाल का एरिया आपका। इसके बाद में इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या पड़ा, क्योंकि पॉजिटिव के साथ में इसको कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी आया, क्या हुआ, बट द इंटेंसिव इरीगेशन एंड एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर हैज लेड टू द इमरजेंस ऑफ ट्विन इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉगिंग, यानी यहाँ पे लगातार पानी का यूज़ करने से क्या हो गया, पानी वाटर लॉगिंग यानी पानी है वो खड़ा रहने लग गया, जिससे क्या हो गया इंक्रीज इन सॉयल सैलिनिटी, यानी जो आपका पंजाब के अंदर ओवर इरीगेशन की प्रॉब्लम आ रही थी वो यहाँ पे भी आने लगी, सॉयल की सैलिनिटी वो बढ़ गई, उसके कारण मिनरल्स भी इंक्रीज होने थे, सॉयल क्या होगी इनफर्टाइल हो गई। अब इसके बाद में इसको प्रमोशन को करने के लिए, इसको सही करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए फिर इसके अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को किस प्रकार बढ़ावा दिया गया। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज द स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी, द कैनाल प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेट्स प्रोटेक्टिव इरीगेशन इन स्टेज वन एंड एक्सटेंसिव इरीगेशन ऑफ क्रॉप एंड पास्चर डेवलपमेंट इन स्टेज टू, यानी इसके अंदर जो पहला था इंप्लीमेंटेशन ऑफ वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी जो बनाई गई इसके लिए उसमें क्या किया गया कि द कैनाल प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेट प्रोटेक्टिव इरीगेशन इन स्टेज वन, ओनली इरीगेशन के लिए इसको यूज किया जा रहा था। इसके बाद में नेक्स्ट आपका जो था सेकंड स्टेज के अंदर इसको क्या किया गया, एक्सटेंसिव इरीगेशन ऑफ क्रॉप एंड पास्चर डेवलपमेंट, पहले में सिर्फ इसका सिर्फ इरीगेशन के लिए, दूसरे में क्या है पास्चर डेवलपमेंट, जैसे आपका ये फॉरेस्टेशन था और चीज़ें उनको साथ में भी इसके बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट किया गया।
इन जनरल द क्रॉपिंग पैटर्न शैल नॉट इंक्लूड वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स। इसके बाद में देखा गया कि लोगों ने जैसे राइस वगैरह लगाना स्टार्ट कर दिया तो उससे क्या है कि सॉयल सैलिनिटी बढ़ गई क्योंकि इरीगेशन ज़्यादा दे रहे थे। तो अब इस एरिया के अंदर ये कहा गया कि आपका जो क्रॉपिंग पैटर्न होगा उसमें कोई वाटर इंटेंसिव क्रॉप है वो ना लगाई जाए। इससे क्या होगा कि उस एरिया के अंदर वाटर की डिमांड ज़्यादा होगी, और दूसरा क्या होगा कि जो आपका एरिया है उसकी सॉइल की फर्टिलिटी वो भी ख़राब हो रही है। द सी ए डी प्रोग्राम सच एज लाइनिंग ऑफ वाटर कर्स एंड लैंड डेवलपमेंट एंड लेवलिंग एंड वारबंदी सिस्टम। वारबंदी सिस्टम क्या होता है, जैसे आपने हमारे एरिया में देखा ना जैसे पानी का भी इस दिन इसके पानी लगेगा खेत में, इस दिन इसके लगेगा, तो वो वार्डबंदी उसको बोला जाता है। तो वैसा सिस्टम इसमें स्टार्ट किया गया और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वो लैंड का वाटर का वो किया गया, जिससे क्या है कि जो वाटर का लॉस है वो ना हो। तो ये इसके अंदर आपका प्रमोशन के अंदर बताया गया। द एरियाज अफेक्टेड बाय वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी शैल बी रिक्लेम्ड। और जो एरिया जिसमें पानी की अमाउंट ज़्यादा होने से सॉइल सैलिनिटी बढ़ गई थी उनको दोबारा रिकवर किया जाए, उनके अंदर मिनरल्स वगैरह डालकर उसको दोबारा फर्टाइल किया जाए। द इको डेवलपमेंट थ्रू एफॉरेस्टेशन शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन एंड पेस्चर डेवलपमेंट इज नेसेसरी पर्टिकुलरली इन द इन्वायरमेंट ऑफ स्टेज टू। दूसरे जो स्टेज टू थी उसके अंदर ये ध्यान रखा गया कि इको डेवलपमेंट भी किया गया साथ में, किसका, जैसे एफॉरेस्टेशन जो नहर है उसके पास पास क्या है आपके प्लांट्स वगैरह लगाए गए। शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन, शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन का मतलब होता है कि जो खेतों के चारों साइड में खेत के क्या लगा देना, ट्रीज लगा देना, ये आपके पेड़ लगा देना, जिससे क्या है कि सॉइल इरोजन ना हो। और पास्चर डेवलपमेंट यानी जो आपके घास के मैदान हैं उनका भी डेवलपमेंट उस एरिया के अंदर करना। द सोशल सस्टेनेबिलिटी इन द रीजन कैन बी अचीव्ड ओनली इफ द लैंड अलॉटेड हैविंग पुअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड आर प्रोवाइडेड एडिक्वेट फाइनेंशियल एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट फॉर कल्टिवेशन ऑफ लैंड। सोशल सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि जो लोग वहाँ पे उस एरिया में गरीब थे और इकोनॉमिक बैकग्राउंड उनका गरीब था, तो उनको एडिक्वेट पर्याप्त फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल, इंस्टीट्यूशनल का मतलब होता है कि उनको सीड्स वगैरह की फैसिलिटी अवेलेबल करवाना, अच्छी क्वालिटी के सीड, अच्छी क्वालिटी का फर्टिलाइजर अवेलेबल करवाना, और जिससे उनकी लैंड है उसको दोबारा कल्टिवेशन किया जा सके। द इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी इन द रीजन कैन नॉट बी अटेंड ओनली थ्रू डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। द एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज हैव टू डेवलप अलॉन्ग विद अदर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। यानी इसके अंदर ये कहा गया है कि एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री अकेले की सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है, उसके साथ में हमें जो एग्रीकल्चर और इससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ और हैं उनको भी इसके अंदर बढ़ाने की जरूरत है, जरूरत थी। दिस शैल लीड टू डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक बेस एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फंक्शनल लिंकेज बिटवीन बेसिक विलेज एंड एग्रो सर्विसेज सेंटर एंड मार्केट सेंटर्स। अब इसके बाद में जैसे यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे क्या मार्केट वगैरह भी इस्टेब्लिश होने लग गई, और जो आपका इंडस्ट्री स्मॉल स्केल पे वो भी यहाँ पे इस्टेब्लिश होने लग गई। तो ये आपका चैप्टर था दैट वी हैव कवर्ड। वी विल डिस्कस द डाउट्स ऑफ दिस चैप्टर ऑन मंडे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।